जानकारी आपको दे दें, आज कम हो सकती है वैट की दरें। पीएम मोदी का दौरा और दे सकता है ये खुशखबरी। आपको बता दें कि वैट घटाने को लेकर के जोरदार चर्चा हो रही है और पिछले दिनों वैट से जुड़े अधिकारियों की बैठक और पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने को लेकर के चर्चा हुई है, लेकिन प्रक्रिया के सभी चरण अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। आज बड़ी घोषणा के कयास भी लगाए जा रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे के बीच वैट घटाने की अब चर्चा जोरों से हो रही है। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, वैट घटाने को लेकर के अब जोरदार चर्चा हो रही है और अब यही सवाल है कि क्या आज वैट की दरें कम हो सकती हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और अब ये कयास लगाया जा रहा है कि पेट्रोल डीजल पर वैट घटा सकते हैं और इसी को लेकर के अब चर्चा विमर्श भी किया जा रहा है। तो जोरदार अब चर्चा हो रही है वैट घटाने को लेकर के। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बाबूलाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, पेट्रोल और डीजल के वैट घटाने को लेकर के चर्चा जोरों शोरों से हो रही है, कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, तो अब ये जोरों पर चर्चा चल रही है, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी, हाल ही में वित्त विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई थी जिसमें चर्चा हुई थी कि वैट की दरें घटानी चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए लंबे समय तक गहलोत सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाया था और हमेशा से मुखर रही थी बीजेपी की वैट की दरें राजस्थान में सबसे ज्यादा है पेट्रोल और डीजल पर, तो यहाँ पर वैट की दरें कम की जानी चाहिए। अब सरकार बने हुए एक महीना हो गया है तो ऐसी सूरत में बीजेपी के ऊपर भी प्रेशर है और आम जनता भी चाहती है कि जो महंगा डीजल पेट्रोल है इस पर कम से कम वैट की दरें होंगी तो फिर आम जनता को फायदा होगा, आम जनता को राहत मिलेगी। अब पीएम नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो ऐसे में प्रदेश की जनता उम्मीद कर रही कि उनके दौरे से पहले सरकार राजस्थान की आवाम को पेट्रोल डीजल सस्ता कर सकती है। चर्चाएं चल रही हैं, अटकलें कयास हैं, हो सकता है कि पेट्रोल डीजल दरें आजकल में कम की जाएं, लेकिन इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं मिली है। लेकिन सरकारी सूत्र इशारा कर रहे हैं कि हाँ, सरकार इस बारे में गंभीरता दिखा रही है और जल्द जो 31% वेट है तो उसमें कुछ राहत दी जा सकती है और राजस्थान की जनता को सस्ता डीजल और पेट्रोल मिल सकता आने वाले दिनों में। बिल्कुल बाबूलाल, पिछले दिनों वित्त अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई थी और अगर हम बात करें पेट्रोल डीजल के दामों की तो लगातार इजाफा देखने को मिला था और बीजेपी ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया था, तो ये कहा जा रहा है कि आज कयास लगाए जा रहे हैं और आज बड़ी घोषणा हो सकती है। जी बिल्कुल, उम्मीद सब कर रहे हैं लेकिन जब तक सरकार की ओर से कोई घोषणा नहीं हो जाती तब तक सिर्फ अटकलें और कयास ही लगते रहेंगे। बीजेपी ने खुद ने क्योंकि मुद्दा बनाया था सबसे बड़ा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल पर वेट वसूला जा रहा है, आम जनता की जेब कट रही है, इससे महंगाई बढ़ रही है। ठीक है बाबूलाल, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।